आइए दोस्तों देख लेते हैं आज होममेड कुलचे की रेसिपी। जो हम बाजार से खाते हैं वो इतना टेस्टी तो नहीं लगता, मगर हम फिर भी ललचा जाते हैं और खाने को हमारा मन करता है। मगर आज आपको मन ललचाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आज हम घर पर ही बनाएंगे स्टीम कुलचे की रेसिपी जो झटपट बनकर रेडी हो जाती है। आइए देख लेते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। हेलो यूट्यूब के दोस्तों, नवजोत होम शेफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। आइए आज की नई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे नई नई रेसिपीज और जानकारी। आइए दोस्तों आज हम आपको घर पर ही स्वच्छ तरीके से बनाए गए स्टीम कुलचे की रेसिपी देते हैं। आपने बहुत बार नए तरीके के कुलचे खाए होंगे, मगर इस तरह का कुलचा नहीं खाया होगा दोस्तों। आइए उन्हें बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए वो देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे दोस्तों मैदा, 2 कटोरी मैदा, जिसे हमने ईस्ट और थोड़ा सा नमक और चीनी और मिल्क पाउडर डालकर हमने इसे गूंद कर रख लिया था 2 घंटे के लिए। आप इंस्टेंट ईस्ट डालकर गूंदिए दोस्तों, आधे घंटे में आपका आटा तैयार हो जाएगा। 1 घंटे के लिए दोस्तों हमने आटा गूंद कर गर्म स्थान पर रख दिया था। गर्म स्थान मतलब आपने इसे ओवन में नहीं रखना, गैस पे नहीं रखना दोस्तों, आपने अपने जो रसोई किचन का सेल्फ टाउन होता वहाँ पर गर्म। अगर दोस्तों आपने आटे की रेसिपी देखनी हो तो हमने आटा कैसे गूंदा और कैसे फूला आटा, तो हम आपको लिंक दे देंगे आई बटन पे आपको लिंक दे देंगे दोस्तों, वहाँ से जाकर आप आटा गूंदने की जानकारी ले सकते हैं कि हमने ईस्ट डालकर आटा कैसे तैयार किया। आइए अब मसाले के लिए हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कौन कौन से चाहिए। कुलचों का मसाला बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए थोड़े से वाइट चने, जिसे हमने उबाल कर रख लिया था, और 3 चाहिए हमें आलू, जिसे हमने काट कर उबाल कर अच्छी तरह से रख लिया। 1 लेंगे कटी हुई हरी मिर्ची, 1 प्याज लेंगे हम जिसे हमने ब्रीक ब्रीक काट कर रख लिया दोस्तों, 1/2 टीस्पून हम लेंगे भुना जीरा जिसे हमने पीस लिया था, और ये लेंगे हम ग्रीन चटनी धनिए और पुदीने की, और ये रही हमारी इमली की चटनी। अगर आपने ये चटनियाँ देखनी है कि कैसी बनी है तो हम पहले भी एपिसोड में बना चुके हैं, अगर आपने देखनी है तो वो हम लिंक दे देंगे आई बटन पे, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी हम इस रेसिपी दे देंगे, वहाँ से आप ले लीजिए और बनाकर ट्राई कीजिए। आइए अब हम बनाएंगे होममेड स्टीम ब्रेड की रेसिपी। आपने बहुत बार ब्रेड की रेसिपी देखी होगी, मगर इस तरह का ब्रेड नहीं देखा होगा दोस्तों। आइए आज हम आपको ब्रेड बनाकर दिखाते हैं। ये दोस्तों कुलचों को हम स्टीम करने के लिए कौन सी चीज़ लेंगे वो देख लेते हैं। हमने बड़ा सा एक बर्तन ले लिया जिसमें हमने पानी डाल दिया था, और इस तरह की हम एक जालीदार छानी लेंगे जो हमारे घर पर अवेलेबल होता है, और साइडों में जहाँ से ज़्यादा हवा आती हो वहाँ से हम आटा लगा लेंगे ताकि इसका जो स्टीमर है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ये रहा हमारा होममेड स्टीमर। ये लीजिए दोस्तों, हमने एक पेड़ा लिया था और इसे बेलकर अच्छी तरह से रख लिया। इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए, ये देख लीजिए दोस्तों। अब हम इसे ऑयल लगाएंगे इस तरह से, आपके पास ब्रश वगैरह हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से ही लगा दीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। इससे होगा ये कि जो हमारे ब्रेड बनेंगे अच्छी तरह से फूलेंगे, और बीच में जो हम मसाला डालेंगे उसके लिए अच्छी तरह से ये खुल जाएंगे। इस तरह से आपने एक बार दबाव डालना और धीरे से इसे एक बार बेलेंगे हम इस तरह से,
ये लीजिए दोस्तों, हमारा ब्रेड बनके रेडी है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमारे ब्रेड स्टीम होने के लिए रेडी है। आइए अब स्टीमर में स्टीम दबा देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमारे स्टीमर में अच्छी तरह से भाप बन चुकी है। अब हम इसे ऑयल लगाएंगे। ऑयल से जो हमारे कुलचे बनेंगे वो चिपकेंगे नहीं दोस्तों। ऑयल आपने अच्छी तरह से लगाना सभी तरफ। आपको आज के बाद कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप इसी तरह से अपने कुलचे ब्रेड बनाकर रेडी कर सकते हैं और बाज़ार से भी अच्छे ब्रेड बन के रेडी होंगे दोस्तों। हम अब लेंगे एक एक ब्रेड और इस तरह से लगा देंगे और 15 मिनट के लिए हम इसे स्टीम करेंगे। आपने इससे कम नहीं करना। अगर आपने इससे कम स्टीम किया तो आपके जो ब्रेड होंगे वो कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने 15 मिनट के लिए स्टीम ज़रूर करना दोस्तों। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए स्टीम देंगे। आइए दोस्तों, हमारे ब्रेड देख लेते हैं कहाँ तक बने हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे ब्रेड कितनी अच्छी तरह से फूले हैं। आइए अब हम इसे निकाल लेते हैं। आइए दोस्तों, जब तक हमारे बाकी के ब्रेड स्टीम हो रहे हैं तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। पहले हम डालेंगे आलू। पहले हम आलू और छोले को एक कटोरी में निकाल लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज को आपने बारीक ही काटना दोस्तों। अगर ज़्यादा बड़े स्लाइस में काट लिया तो आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। आप अपने हिसाब से डालिए। आप ज़्यादा मिर्च खाते हो ज़्यादा डालिए, कम खाते हो तो कम डालिए दोस्तों। अब हम डालेंगे भुना हुआ जीरा। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी काला नमक, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब हम सभी मसाले को मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि जो हमने ऊपर से मसाला डाला था वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हमारी इमली की चटनी। चटनी भी आप अपने हिसाब से डालिए दोस्तों, जितना आप खट्टा तीखा खाना चाहते उतना डालिए। अब हम डालेंगे ग्रीन चटनी जो काफ़ी स्पाइसी होती है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ इसमें ग्रीन चटनी मत डालिएगा, बच्चों को तीखा लगेगा। आप इसे हेल्थी और टेस्टी बना सकते हैं। अगर बच्चे खाना चाहते हैं तो उन्हें केचप डालकर दीजिए। ग्रीन चटनी की जगह आप केचप डालिए तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा और तीखा भी नहीं लगेगा दोस्तों। आइए अब हम इन्हें ब्रेड के बीच भर लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमारे सभी ब्रेड अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे फूले और कितने सॉफ्ट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों। आइए अब इन्हें हम मसाले भर लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा मसाला लेंगे आलूओं का और ऊपर से इस तरह से भर लेंगे। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं दोस्तों, और घर के बने तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्योंकि हम अपने स्वच्छ हाथ धो के सामान धोकर बनाते हैं, इसलिए ये टेस्टी तो होते ही होते हैं और हेल्थ में भी कोई तकलीफ़ नहीं होती दोस्तों। इसलिए हर संडे को इस टेस्टी कुलचे को ज़रूर बनाइए अपने घर पर। आइए अब सर्विंग बोल में डालकर भी दिखा देते हैं। आप इस तरह का कोई सर्विंग बोल लीजिए दोस्तों और इसमें ये डालिए। इस तरह से खोलिए और इसमें और मसाला आप डालिए, जितना मसाला चाहे उतना डालिए। ये लीजिए दोस्तों, इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी इमली की चटनी। ये लीजिए दोस्तों,
आपका होममेड स्टीम कुलचा बिल्कुल रेडी है। अगर आप बाहर ले जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर से इस तरह से ढक्कन लगाइए और आप अपने लंच बॉक्स में ले जाइए और इंजॉय कीजिए। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नवजोत होम शेफ चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक बार हर संडे को जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए और यूनिक रेसिपी के साथ।